आज के हिस्सा के मतलब परमपिता परमेश्वर कृपा से क्रिस जन्म पर्व के पहले पुत्री का घर में जन्म हुआ, इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रवेश भजन है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र दिया गया है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्श दाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों और छोटे बच्चों, आज हम हर्ष उल्लास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम हम सबों का फर्ज बनता है कि हम परमधर्मपिता ईश्वर को धन्यवाद दें। परमधर्मपिता ईश्वर को इसलिए हम धन्यवाद दें क्योंकि अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमारे समक्ष दिए कि हम उनका जन्म उत्सव अच्छी तरह से मना पाए। इस पर्व को मनाने के लिए हमारे लिए शुभ अवसर मिला है और इसकी तैयारी के लिए हमारे लिए बहुत लंबा आयु भी मिला था, जिसके माध्यम से हम पूर्ण तैयारी के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। और वही बालक यीशु हमारे हृदय में, हमारे परिवार में आ चुके हैं और हम मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त आए क्योंकि हम सब कोई पापी हैं। पाप से मुक्त करने के लिए हमारे समक्ष आए ताकि हम पाप मुक्त होकर हम एक दूसरों को उनके प्रेम को हम बांट पाए। इस कृपादान के लिए हम परमपिता ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में अभी तक जो बालक यीशु हमारे हृदय में आने वाले हैं या आ चुके हैं या उनका इंतजार अभी तक हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में त्रुटियां होंगी, तो उस प्रकार के त्रुटियों को हम याद करते हुए हम प्रभु से क्षमा और बल की याचना करें ताकि हम इस विश्व बलिदान में शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से भाग ले पाए। हम सब मिलकर बोले
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 तक पाठ का मुख्य वचन है, ईश्वर हमसे पुत्र के मुख से बोला है।
प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का पुत्र अधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्ग दूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे पुत्र अधिकारी में मिला है वह उसके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूतों से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा? फिर वह अपने पलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय एक पद संख्याएं 1-18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यह प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। प्यारे माता पिता, भाई और बहन, सबों को खुश करा।
जय यीशु खुश पर्व। इस प्रकार से आज के दिन में कहना जय यीशु और खुश पर्व शायद कितना बार हम लोग गाए हैं, इतने बार हम मिलेंगे। हम उनका कोशिश रहेगा कि हम जोर से जय यीशु और खुश पर्व बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म उत्सव को मनाने के लिए एक साथ एकत्र होते आ रहे हैं और यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और इस पर्व को मनाने के लिए बहुत जोर शोर से हम लोग तैयारी किए हैं, अलग अलग रूप में हम सबों ने तैयारी किया है और विशेष रूप से हम सबों को कहा गया था कि हम आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। और मेरा भी यही मानना है, समझना है कि निश्चित रूप से हम सब कोई, हम जितने भी दीदी के आगे में हैं, आप लोग हैं, सबको हम लोग आध्यात्मिक रूप से अच्छी तरह से हम लोग तैयारी के साथ बालक यीशु को भेंट करने के लिए आए हुए हैं, बालक यीशु को देखने के लिए आए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं पीछे लेना चाहूंगा, तैयारी की बात हो गई लेकिन किस प्रकार से हम सबों को आध्यात्मिक रूप से यानी कि बाइबल हम सबों को तैयारी का माहौल बना के इस पर्व को बनाने में हमें सक्षम बनाया है। भविष्यवाणी से हम जाए, इस भविष्यवाणी को मैं नहीं किया, या हम जैसे छोटे मनुष्य नहीं किए, लेकिन बड़े बड़े नबी प्रभु यीशु क्रिस्त के आने का भविष्यवाणी किए। अगर आपसे हम पूछ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ऐसा कौन सा भविष्यवाणी है बाइबल में कि बहुत ही सटीक रूप में भविष्यवाणी की गई है, आप में से कोई बोल सकेंगे? क्योंकि तैयारी की बात कही गई शुरुआत में, तो निश्चित रूप से इस भविष्यवाणी को हम सबों ने बार बार रिपीट किया है, बार बार सुना है और इस भविष्यवाणी को सुनते आ रहे हैं। कुछ ऐसे भविष्यवाणी है बाइबल में, आज पूरा विश्व इस महापीर में डूबा हुआ है और एक परिवार के रूप में यहां एकत्र हुए हैं, तो हम भी अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तो ये इस भविष्यवाणी को उजागर करने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई पीछे तरफ है और उस भविष्यवाणी को जानते हैं तो जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज खुशी का दिन है तो जोर से बोलेंगे तो हम लोग सबको सुन भी पाएंगे। थोड़ा सा मनोकरणस हो सकता है क्योंकि देश में प्रश्न पूछने से एक तरफ से है ना, हम लोग जो फादर के द्वारा या उपदेश दिया जा रहा है उसको हम सुन पाते हैं, एक वो अच्छा है और दूसरा क्या है कि शायद देरी भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अपना घड़ी को भी देख सकते हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है तो हमने मनुष्यों को खबर सुनाया कि एक बालक का जन्म होगा। बहुत अच्छा, लेकिन जो स्पेशल है सटीक रूप में भविष्यवाणी की गई है मैं बतलाऊंगा। जी हाँ, वो नया व्यवस्था में चला जाता है क्योंकि हम लोग को है ना नबियों की बात जो संदेश वाहक है उनके बारे में हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसाइयास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 7 पद संख्याएं 14 में कहा गया है, इमानुएल का चिन्ह के बारे में कहा गया है और वहां पे कहा गया है प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है एक कुमारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी
और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तब से नहीं बोलेंगे सर, लगता है मेरे को। और इसी को है ना, हम पुराने देवस्थान में गए और अब नए देवस्थान में भी इसको इसका साकार हुआ है। और उसको मैं पर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जहां पे कहा गया है निश्चित रूप से अध्याय को बताऊंगा। मैं संत मती में कहा गया है सेम चीज को, यही चीज को, यही वचन को कहा गया है। मती अध्याय 1 पद संख्या 18 से 23 में आप लोग पढ़िएगा। और दूसरा भविष्यवाणी है मीका के ग्रंथ से लिया गया है, वहां पे भी कहा गया है अध्याय 5 पद संख्या 2, यीशु बेतलेहम में जन्म ले, यानी कि बतलाने की कोशिश की गई है, यीशु बेतलेहम में जन्म लेंगे। अब इसको सटीक रूप में सही माने में हम नए व्यवस्थान में आते हैं और संत मती हम सबों को बतलाने की कोशिश करते हैं अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 6 तक। राजा हिरोद ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेगा? यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यहूदा की भूमि, तू यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुम में एक बेटा उत्पन्न होगा जो सारी प्रजा इसराइल का चरवाहा बनेगा। इस प्रकार से हम बाइबल की बात में तो तैयार के साथ हम सबों को निमंत्रण देता है। और जब उत्तर में हमारे आया माता, हम सबों को बताने की कोशिश की। अब मैं वहां पे आऊंगा एक संदेश के रूप में, एक उपदेश के रूप में, किस प्रकार से तैयारी करने के लिए बाइबल हम सबों को आह्वान करता है, करते आया है। मत्ती तीन अध्याय तीन पद संख्या 2 और 3 में कहा गया है यूहन बपतिस्मा का उपदेश, प्रस्ताव करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसाई ने कहा था, निर्जल प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधा कर दो। और आगे गब्रेल दूत हम सबों को संदेश, योसेफ और मरियम को भी संदेश देती है। योसेफ दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है, वे पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, तो बाइबल आध्यात्मिक रूप से हम सबों को बहुत सटीक रूप में अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आह्वान किया। और अब जब हम आज के पाठों में मनन चिंतन करते हैं, तो सर्वप्रथम पहले पाठ हम सबों को आनंद और खुशी से भर देता है, आनंद और खुशी से इसीलिए भर देता है क्योंकि प्रभु का वचन का बखान किया गया है, प्रभु के वचन के बारे में कहा गया है। और कहा गया है पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हो गया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति का विधान प्रकट हो गया है। तो इस प्रकार से
इस विधान को, मुक्तिदायक प्रभु यीशु क्राइस्ट का वचन को हम कैसे फैला दें? आज के दिन में पूरा विश्व इस पर्व को मना रही है, तो हम भी क्यों ना कोने कोने में जाकर प्रभु जो हमारे समक्ष, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में जन्म ले चुके हैं, इसका प्रमाण करें। और दूसरे पाठ में सर्वप्रथम मैंने नबियों के बारे में कहा जो संदेश वाहक हैं, वे किस प्रकार से परमदयालु पिता ईश्वर के बारे में एक नबी के रूप में जाकर लोगों को बताते हैं। और बहुत बार बारंबार दोहराते थे ताकि जो प्रभु यीशु ख्रीस्त परमदयालु पिता ईश्वर का वचन है, पुराना व्यवस्थान जो है उसको लोगों तक पहुंचा पाए। और निश्चित रूप से प्राचीन काल में नबियों के माध्यम से यह अवगत किया गया, अब डायरेक्ट रूप में हमारे समक्ष बालक यीशु जन्म ले चुके हैं। अब हम प्रश्न करें अपने, बालक यीशु जन्म ले चुके हैं, धूमधाम के साथ पर मना रहे हैं, हम में से कितने बालक यीशु का स्वागत कर रहे हैं? हम में से अपने परिवार में इस बालक यीशु को स्वागत कर पा रहे हैं या नहीं? तो आध्यात्मिक रूप से, बाहरी रूप से, सब तरफ से हम सबों को आगे देखो कि हम इस बालक यीशु को क्या हम पूर्ण रूप से स्वागत कर पा रहे हैं या नहीं। और जो बालक यीशु हमारे समक्ष जन्म ले चुके हैं, वही अब बालक यीशु विश्व की सृष्टि करते हैं। परमदयालु पिता ईश्वर के द्वारा जो अपने पुत्र यीशु क्रिस्त पर हमारे समक्ष भेजते हैं, अब इस विश्व का उद्धार करता है, इस विश्व को जन्म देते हैं, विश्व की सृष्टि करते हैं और सब कुछ का उत्तराधिकार नियुक्त किया जाता है। अब हम सुसमाचार में आए। सुसमाचार में हम सबों को कहा गया है केवल एक मूल चीज कहा गया है, मूल शब्द रखा गया है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है। और कहा गया है वह है जो मैं भी बोलता हूं या आप सबून भी प्रकट करते आते हैं, प्रकट करते हैं, एक दूसरों को बोलने की कोशिश करते हैं, वह है शब्द। अब इस शब्द में क्या छिपा हुआ है, कौन सा ऐसे रहस्य छिपा हुआ है, कौन सा ऐसे बड़ा गुण छिपा हुआ है कि शब्द आज का है। मथिला हमारे आदिवासी भाषा में हम कहते हैं हम आदि के बच्चे बच्चियां हैं, आदि काल के बच्चे बच्चियां हैं। तो अगर हम आदि की बात कहते हैं तो हमारे मन मस्तक में आ जाता है कि हम बहुत आगे के लोग हैं, हम पुराने लोग हैं जो कि शायद जो आज के पहले सुसमाचार में कहा गया है, शब्द का जिक्र किया गया है, आदि काल में शब्द इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो हम भी अगर हम अपने बारे में परखे जांचे तो लगता है हम सबों को भी और ही शक्ति आ जाता है, हम भी निडर हो जाते हैं। आदि में सब था, वह ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था और इस शब्द में जीवन था, जीवन में मनुष्यों की ज्योति था जो बालक के रूप में चमक रहा है। अंधकार उससे बुझा नहीं पाए,
जो प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे समक्ष जन्म ले चुके हैं, हमारे समक्ष जो ज्योति आ चुका है वह कभी नहीं बुझेगा, यह कभी नहीं बुझेगा जब हम इसका बालक यीशु का प्यार को पहचान पाएंगे और इसको साक्षी देने के लिए हमारे योहन आते हैं, संत योहन बपतिस्ता आते हैं और साक्षी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं कि हम पापी मनुष्य, हम मनुष्य प्रभु पर विश्वास कर पाए। अगर कोई साक्षी नहीं दे तो शायद बहुत बार हम लोग विश्वास नहीं कर पाए। इसीलिए संत योहन हमारे समक्ष आते हैं, लोगों के समक्ष आते हैं और पछतावा का पाठ पढ़ाते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए साक्षी के रूप में आते हैं और प्रभु को पहचानने के लिए हम सबको को रास्ता दिखाते हैं। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, जो कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगे आकर उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समक्ष आकर हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म हो चुका है और इस जन्म में एक तरफ चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ खुशियां भी है। चुनौतियां इसीलिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बालक यीशु का जन्म होने वाला था तो माता मरियम दर दर भटकती रही, जगह पाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। जनगणना के दौरान बच्चे को बचाने के लिए मिस्र देश जाना पड़ा। जब हेरोद मर गए तब स्वर्गदूत के माध्यम से संदेश मिलता है और पुनः इसराइल लौट आते हैं। अब इसराइल लौट आते हैं तो वहां देखा जाता है कि हेरोद तो मर गया है लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी है शासन कर रहे हैं, इसका पता लग गया है। इसीलिए पुनः उनको गलीलिया के नाजरेत नामक एक छोटा सा गांव में जाना पड़ा जहां वहां बस जाते हैं। इस प्रकार से यह हम सबों के लिए हकीकत है कि ईश्वर एक मानव बनकर हमारे बीच में आए हैं, मनुष्य बनकर हमारे बीच में पधारे हैं और वह मानव बनकर हमारा उद्धारक है। और सर्वप्रथम हम देखते हैं बहुत ही साधारण लोगों के समक्ष जाते हैं, संदेश देते हैं, गडेरियों को देते हैं, गडेरियों के बीच में रहते हैं और उसके बाद हम ऐसे लोगों को ज्योतिषियों के साथ को संदेश देते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, बालक यीशु एक साधारण परिवार से आते हैं और हम भी यही उम्मीद या हमें भी यही उम्मीद किया जा रहा है। इस वर्ष हमारे विश्व स्वामी के द्वारा कहा गया है कि हम इस बार बहुत ही साधारण पर्व मनाएंगे। साधारण पर्व मनाने का मतलब यही रहा कि हम एक दूसरों का ख्याल कर पाए। ख्याल हम किस प्रकार से करें? इस बार हमारे पल्ली में शुरुआत में अनाउंस किया गया था कि हम किसी गांव में हम जाकर हम गैदरिंग मनाएं,
गायत्री के रूप में बोलूंगा, लेकिन एक सेवा के भाव दिखा पाए। इस प्रकार से हम सबों ने किया और यही एक छोटा चिन्ह होता है हम सबों के लिए कि जो प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए जो चिन्ह दिया दिए हैं उन चिन्ह को हम एक दूसरे को बांट पाए। जो ईमान में हमारे जीवन में आगे हैं उन चिन्ह को हम बांट पाए। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारे जो जीवन में चुनौतियाँ होते हुए भी हम खुश हैं और उस खुशी में उस खुशी को हम एक दूसरों को बांट पाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूर आशीष प्रदान करें और हम एक दूसरों की सेवा में लगे रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हे प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हम हमारे पोप फ्रांसिस बिशप फिलिक्स टोको महायाचक बिशप पास्टर एनस सभी पुरोहितों धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें प्रज्ञा ज्ञान एवं विवेक प्रदान करें और उन्हें सुस्वस्थ रखे ताकि बिना चरवाहे के भेड़ों रूपी कैथोलिक कलीसिया को सही मार्गदर्शन दे सके और सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें क्षमा किया उसी प्रकार हमें भी एक दूसरों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। परस्पर मेल मिलाप प्रेम और शांति के साथ बालक यीशु को हमारे दिल और अपने परिवार में आने दें ताकि जन पर हर्ष और उल्लास के साथ मना सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। बालक यीशु के चरणों में लाते हैं ताकि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे, सुस्वस्थ रखे, दुख कष्ट सहने की शक्ति दे और इस कोरोना महामारी से सभी विश्वासियों को बचाए रख। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जान सके सच्चे मन दिल से पश्चाताप कर प्रभु के चरणों में आए, मोबाइल रूपी शैतान से बच कर रहे और अपना भविष्य सफल बना सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना के कारण आनंदित होता है। हम
प्रभु हमारा न्यायकर्ता और हमारा राजा है। हम सब विश्वासी जन प्रभु के पावन जन पर प्रभु को सारे दिल मन आत्मा से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस कोरोना महामारी काल में हमें एक साथ मिलकर उसकी महिमा और निरंतर स्तुति करने का अवसर दिया है। प्रभु हम लोगों को संभाले, अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा करें। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आत्मीयता पुनः स्थापित होती है और तेरे दिव्य आराधना की जाती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए, इसलिए दूतों और महादूतों सिंहासन और साम्राज्य सूर्य सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु हम क्रिस्त करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे मार्गदर्शक
कलिष्ठ को और सभी याचकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलिष्ठा की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान के आश्रम में प्रलुप्त धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर्धन योसेफ धन्य प्रेत तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु कृष्ण द्वारा इनके साथ आ रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हाथ से ही हम
स्पर्श करें तो चर्च लेन वाले करेंगे। 1 जनवरी 2022 नया साल हुआ, 7 बजे केवल एक ही मिस्सा होगा, गाना एवं प्रार्थना का संचालन, लकड़ा मैदान बायन कॉलोनी पीस रोड और सभी सिस्टर्स बन रहेंगी। धन्यवाद। और अब तक की कुल जमा राशि है 1,97,57,728 रुपये।
इस उदारपूर्ण सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। की ओर से आप सब को खुश खुश जन्म पर्व, खुश खुश जन्म पर्व। अभी तुरंत चेस्ट निर्माण के बारे में पढ़ा गया, जो दान आप दिए हैं। बीते सप्ताह में कहा था, आपने भी में कहा था बात को, कि खुश जन्म पर्व के अवसर पर हम लोग टोटल 2 करोड़ जमा हो जाएगा, तो संतान भी पड़े, और उसमें अगर हम बैंक इंटरेस्ट जोड़ दें तो 2 करोड़ पूरा हो जाता है, नहीं जोड़ा उसमें 2 करोड़। तो मैं कहा था कि हो जाएगा, हो ही गया, कोई ना कोई खाता में डाल दिया, हो गया। तो हम धन्यवाद देंगे गुरु को, हम आंटी बोल रहे हैं ताली बजाएं, ताली बजाएं, इसलिए आप लोग ताली बजेगी, क्योंकि कार्य जो है हम लोग की दिशा कैसे होगा इन साल। लेकिन देखिए आज हम इन साल हम अभी इस जगह पे जो आप कंट्रीब्यूट किए हैं उसी भवन के नीचे हम दिशा पूजा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम लोग अगले साल क्रिसमस में हम लोग नया गिरजाघर में प्रवेश कर पाए, या नया साल या फिर क्रिसमस में। फिर आप सबों को जो बाहर रहते हैं, विशेष रूप से जो बाहर रहते हैं और जो सुरक्षा दान करते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा और चेक के द्वारा, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो बाहर में हैं और बहुत लोग आ नहीं पाते हैं, तो कोई कोई अभी छुट्टी में आए तो हमको अगर हम लोग आ नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आशा करते हैं जो दे रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जरा नहीं शुरू किया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि समय से पहले जो देना है दसवांश दे रहे हैं, तो इस दिन के एक दिन उसको जमा कर दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और क्रिस जयंती इस बार बिशप स्वामी बोले थे कि सादा मनाना है, लेकिन हमको लगता है कि आध्यात्मिक रूप से हम सादा नहीं मनाए हैं, धूमधाम से मनाए हैं, वैचारिक ही है। तो इस जयंती के जयंती को अधिक भक्तिमय और जो भी यहाँ डेकोरेशन देख रहे हैं उस सहयोग आपका है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के द्वारा ही हम सभी को यहाँ उपस्थित हैं और इस बार हम यहाँ मना रहे हैं। आज के बाद नया साल में क्या होगा हम नहीं जानते, आपको मालूम होगा। सबसे पहले मैं फादर रेमंड टीके को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज नॉर्मल संडे तो नहीं है, आज पर्व के दिन में हम सबों को आशीर्वचन के द्वारा हम सबों को पोषित के हजों को धन्यवाद देते हैं। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गायक मंडली को, इस बार गायक मंडली मरियमपुर इक्का लेन इधर से थे, तो मैं मरकज तालाब पूरा पश्चिम अरे कल माँ में गड़बड़ हो गया था तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी सिस्टरों को जो देख रहे, जो डेकोरेशन यहाँ हुआ है, वे लोग आकर चित्र से वेदी को सजाए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लाइट की व्यवस्था की है, जो देख रहे हैं यहाँ जो व्यवस्था जो है वो किन्हीं की उदारता के कारण यह संभव हो पाया है, प्रदीप प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आनंद प्रकाश लगड़ा को, उन्होंने कुर्सी के लिए हमें मदद किया, और हमारे पास और साल तो कुर्सी कम हो जाते हैं इस साल, लेकिन जरूरत से ज़्यादा है कुर्सी अभी तक रात के समय था, उसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ उदारता के लिए। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ चरनी बनाने के लिए हम ब्रदर लेवेराज है ना, साउथ के हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, फिर भी से लोगों के लोग आते थे देखने के लिए, लेकिन चरनी उन्होंने अकेले ही बनाया, जब से आया है 4-5 तारीख से, ये तो कूट है, अकेले ही वो चरनी को बनाया है ब्रदर लेवेराज, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ सफाई के लिए, विशेष रूप से महिला संघ और यूथ के सदस्य और बच्चे और काफी सबक सदस्य भी आए थे, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अगुवाई में ही जो यहाँ जो देख रहे थे कि हम सोच रहे थे किस प्रकार से दिशा होगा, लेकिन अगल बगल में जो लकड़ी वगैरह था, काटी वगैरह था, पत्थर वगैरह था, उनको साथ में है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनूप लंगड़ा को भी, क्योंकि जब भी कुछ फंक्शन होता है यहाँ हमारे बल्ली में अनूप का टेंट हाउस है, तो वे कहीं भी रहते हैं तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पर तुरंत भी हो जाए और नेक्स्ट मोमेंट में ही वे अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात में इस बार ठंड लगेगी लेकिन ठंड नहीं थी, फिर भी से कुछ आग तापने के लिए सेकने के लिए कुछ लोग आग आनंद ले रहे थे, जो सेकने के लिए कोयले की व्यवस्था थी, जो वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है लोहा का जो जिंदगी सुंदर में था, तो उसकी व्यवस्था की थी। धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो, अगर आप मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच पा रही है तो माइक के द्वारा ही पहुँचती है, और जो माइक साउंड सिस्टम है उसको ऑपरेट करते हैं ये है राजा है उसके सहयोगी हमारे राजा है। तो ये इस सिस्टम को लगता है कुछ आसान है, लेकिन बॉक्स वगैरह ऊपर में रखा हुआ था, रूम में भी सब रखे हुए थे हम लोग, बरसात के दिन में अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है, तो बड़े बड़े बॉक्स को ढो करके लाना फिर यहाँ सिस्टम अरेंज करना आसान बात नहीं है, इसीलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत के लिए अपना समय निकाल कर हुए आए और हमें जो हमारे जो साउंड सिस्टम है उसको अरेंज करने में उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर अंततः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रचारक हैं सबसे लास्ट में, लेकिन अगर प्रचारक अगर नहीं होते तो शायद जो भी विशाल विधान का जो अरेंजमेंट्स करना जो होता है उसे नहीं हो पाता। साथ में मरियम और मरियाना है ना, मरियम मरियाना और मगदली सब मासे से रो रहे हैं, मरियम मगदली उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अभी उनके भी जो प्रोग्राम विशाल विधान खत्म हो जाएगा तो भी लोग अरेंज करेंगे जो भी अरेंजमेंट करना है, धन्यवाद करता हूँ। फिर अंततः मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को सहयोग के लिए, बहुतों ने अपने प्रार्थना के द्वारा और सहयोग के द्वारा आप सबों ने इस 21 जयंती को उल्लास में बनाया है ना, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बुक सेंटर के फादरों को और यहाँ के फादरों को भी, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य के लिए कन्फ्यूशन के लिए ऑक्सीडार के लिए उन्होंने समय दिया है, तो आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि जो विशेष रूप से भवन निर्माण का जो कार्य है उसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें हमारा सहयोग है और प्रभु की कृपा है और हम प्रभु की अगुवाई में ही काम कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करेंगे। आप सबों को और एक बार इस जयंती की शुभकामनाएं, आप सबों को जय सु खुश जन्म पर्व, जय सु खुश जन्म पर्व। धन्यवाद देने वाले तो है ना हमारे फादर, बड़े फादर धन्यवाद हम सब हूँ को दिए, और बहुत बार हम लोग इनको धन्यवाद देने का हम लोग भूल जाते हैं। धन्यवाद देंगे बड़े फादर को, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी मैं बताना चाहती हूँ कि कल फादर का जन्मदिन है, अरे जबरदस्त परिवार नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलूंगा फादर के बारे में, जितना भी कार्यक्रम इस जन्म पर्व को मनाने के लिए सफलतापूर्वक हम सबों ने अभी संपन्न किया है इन्हीं का बदौलत है, इसीलिए अभी ना बोल के हम एक साथ ताली बजा देंगे तो शायद मेरे ख्याल से लगता है पूरा इतना भी काम करेंगे। अंतिम बात बताइए खड़े हो गए पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रार्थना करें हे ईश्वर, संसार के मुक्ति दाता ने आज जन्म लेकर हमें दिव्य संतति बनने का अधिकार दिया है, वही प्रभु हमें अमरत्वा का वरदान प्रदान करने की कृपा करे, वायु गानम जीत और राज्य करते हैं प्रभु आप लोगों के साथ हो। सत्य मानी ईश्वर पिता और पुत्र पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
प्रभु के साथ ही साथ रहे। Oh,